संक्षिप्त परिचय के बाद मैं आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री यात्री श्रीवास्तव जी को स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्री राजीव श्रीवास्तव मंडल संस्कृति एवं संस्कृति सभागार में उपस्थित सभी महत्वपूर्ण मिला है रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जो प्रधानमंत्री जी की काम करें और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए शिवाजी हमारे बीच में है, उनको सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं और अधिक समय देखिए एक विषय रोजगार को लेकर के बहुत चर्चा में रहा। तो रोजगार तो हम दे ही रहे थे बैंकों में, रेलवे में, भारत सरकार के पीएसयू में। तो एक योजना बनी कि हम कितना दे रहे हैं एक साल में, एक जिसको नियुक्ति पत्र के हिसाब से कहें हम। तो ये विषय आया कि हम खुद अगर नियुक्ति पत्र देंगे जिनको नियुक्तियां मिल रही है उनको, तो एक मैसेज भी जाएगा, समाज में भी मैसेज आएगा भी नियुक्तियां मिल रही है। अदरवाइज जिसकी नेगेटिव प्रचार हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा है जी, तो इसलिए हम आज देखो ना इतनी नियुक्तियां यहाँ 20,000 के आसपास, तो नहीं 2,000 के आसपास तो हम यहाँ बीकानेर ही दे रहे हैं। तो ये 45 जगह कार्यक्रम होगा तो सब जगह नियुक्तियाँ मिल रही है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सिस्टम में जनता को भी पता चले कि इतने लोगों को नियुक्तियाँ मिली, उसके लिए नियुक्ति पत्र देने का, ये रोजगार मेले का एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं बीकानेर में आज उपस्थित हुआ हूँ। सर जो लोग नियुक्तियाँ दी जा रही उनको तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मिल रहा है, लेकिन जो वाकई जो युवा जो बेरोजगार है उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जो बेरोजगार है उनके लिए ही ये एक प्रेरणा है कि हमारी नियुक्तियाँ रेलवे में हो सकती है, हमारी नियुक्ति बैंक में हो सकती है, हमारी नियुक्ति पोस्ट ऑफिस में हो सकती है, हमारी नियुक्ति LIC में हो सकती है। उनको प्रेरणा मिल रही है और वो फॉर्म भरते हैं, फिर उनको सफल हो जाते हैं, फिर नियुक्ति रोजगार मेले में नेक्स्ट में मिल जाएगी। बीकानेर में ऐसा आयोजन दूसरी बार हो रहा है जो कि काफ़ी लोग उत्साहित है, युवा उत्साहित है, क्या कुछ है? कोरोना काल से गुजरे हैं उसके बाद ये एक खुला है तो अच्छी बात। देखिए दो तीन चीज़ें हैं, एक मिशन कर्मयोगी करके प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई है कि ये जो एग्जीक्यूटिव के भाग है जिनको नियुक्ति मिल रही है इनको आप ट्रेनिंग भी थोड़ी दीजिए। तो हमारे मिशन कर्मयोगी की अभी ये वीडियो चलेगा जिसमें आपको काम कैसे करना है। सपोज करो कोई TT है तो TT के लिए सबसे VIP कौन है? कस्टमर। तो कस्टमर के साथ TT का व्यवहार कैसा हो वो मिशन कर्मयोगी में आप बताएंगे और कुछ हम भी बताएंगे। पता ही है कि भारत सरकार का जो एक प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने की संभावनाएं तलाशी है, उसी क्रम में ये कुल मिलाकर चौथा और बीकानेर में जो रेलवे ऑर्गेनाइज कर रही है दूसरा रोजगार मेला है। इस बार का आयोजन पहले के मुकाबले काफ़ी बड़े स्तर पर है। टोटल जो संख्या है केवल रेलवे की ही वो 50,000 पूरे हिंदुस्तान में है। टोटल मिलाकर के 73,100 समथिंग लोग हैं जिनको आज अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। तो ये तो एक खुशी का मौका है इन बच्चों के लिए और हम लोग इनका बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं रेल परिवार में और केंद्रीय सरकार के कर्मियों के परिवार में स्वागत करने के लिए। थैंक यू सर।